हाय फ्रेंड्स, अगले 15 मिनट में मैं आपके सामने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL का कंप्लीट एनालिसिस पेश करने वाला हूं, जिसके वीडियो के एंड में आप ये समझ जाएंगे साफ तौर पे कि BHEL में कितना पोटेंशियल है और आपको इसमें इन्वेस्ट करने से कितना फायदा हो सकता है। सो दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन इसे लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर आप 15 मिनट इस चैनल पे नहीं रुक सकते, वीडियो पे नहीं रुक सकते, तो दोस्तों फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आप और कहीं पर जाकर के अपना कुछ एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो और चैनल सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। सो सीधा बिगिन करते हैं, लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों, हम लोग सीधे आ गए हैं यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स को एक बार देखते हैं, और उसके बाद में इसकी पहले सबसे पहले हम लोग इसकी कॉनकॉल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर फंडामेंटल्स पे आएंगे। तो देखो, मैं स्टार्ट में ही ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कंपनी की ना, आप सिर्फ कंपनी के नंबर रीड कर देने से मेरा अलग से पूरा नहीं होता है। वो तो आप किसी भी चैनल पर कहीं पर भी मिल जाएगा। लोग सिर्फ फिगर्स बोलते रहते हैं, इतना परसेंट बढ़ा, इतना परसेंट कम हुआ, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम शुरू में इसकी जो कमेंट्री थी उसको डिकोड करते हैं दोस्तों। सो लेट्स डिकोड द कमेंट्री ऑफ BHEL और हम समझेंगे कि शब्दों में और नंबरों में क्या गेम छुपा हुआ है। चलिए, ये आप इसके कॉनकॉल के नोट्स देख सकते हैं, और यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये लिख रहे हैं BHEL हैज बुक्ड इट्स हाईएस्ट एवर ऑर्डर्स ऑफ ₹3800 करोड़ इन हाई मार्जिन स्पेयर्स एंड सर्विसेज बिजनेस लाइकली टू इंप्रूव द बॉटम लाइन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। क्या समझे भाई लोगों, कि ये कह रहे हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा है। अच्छा मतलब कितना नहीं बताया ना, ये गड़बड़ है। इस तरह से कंपनियां घुमाती है चीजों को। साथ ही ये कह रहे हैं कि बॉटम लाइन भी इंप्रूव होने की लाइकलीहुड है, यानी कि संभावना है। एक बात बताओ, जब चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, तब संभावना थी कि नहीं कि वो प्रॉपरली ढंग से लैंड करेगा और हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट बनेगा, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया ना। तो संभावनाएं कितनी सच होती है, ये कंपनियों को बोलने का सही तरीका नहीं है। कंपनी को बताना चाहिए कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना मेरा रेवेन्यू था। बराबर है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। हाँ बोल रहा हूं तो जरूर लिखिए कमेंट्स में कि यस सर, आई अग्रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। BHEL has crossed the INR 1 lakh crore order book benchmark without taxes in the month of April 2023. Again, ये सिर्फ revenue की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास धंधा आ रहा है, बहुत सारे orders आ रहे हैं, लेकिन orders आने के बाद क्या? उसके बाद क्या आपने उन orders को time पे पूरा किया? क्या आपने उनको पूरा करने के बाद में proper मुनाफा कमाया? नहीं कमाया? क्यों नहीं कमाया? अब इस commentary को जल्दी से complete करके हम fundamentals पे चलते हैं। आगे देखें तो इसमें लिख रहे हैं रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इज 23,365 crores एन इंक्रीज ऑफ 10% एंड स्पेयर बिजनेस हैज रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 25% प्लस। फिर से वही बात, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू 10% से बढ़ा है, प्रॉफिट किधर है? फाइनेंशियल्स में और आगे आ जाओ, एबिटा एट 1,231 crore हैज इंक्रीज बाय अबाउट 11% एंड PBT PAT आर ऑल्सो एट स्टेबल लेवल। भाई आप एक बिजनेस कर रहे हो या इधर उधर की बातें कर रहे हो? आप साफ बोलो ना कि स्टेबल लेवल क्या, आपको साफ नंबर देना चाहिए ना। तो इस तरह से दोस्तों कंपनियां इसमें गड़बड़ करती है। अब आप बाकी की कमेंट्री पढ़ेंगे तो जो मैंने तरीका बताया ना, उससे आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में हम देखते हैं कि ये जो बोल रहे थे कमेंट्री में वो कितना सच है। तो ये इसके फंडामेंटल्स है दोस्तों, आप देख सकते हो मार्केट कैप 34,000 करोड़, बड़ी कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का इसमें पूरा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ₹107 हाईएस्ट गया था पिछले साल भर में, ₹51 मिनिमम गया था, और आप देख रहे हैं अभी भी ये ₹100 के आसपास चल रहा है, विच इज गुड, 0.2% बढ़ाया आज। स्टॉक का पी 108 है और इंडस्ट्री का पी 36 है, यानी इंडस्ट्री से तेज भाग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.7%। ये ना, आपने एक वो कहावत सुनी है क्या कि नाम बड़े और दर्शन छोटे? तो दोस्तों ऐसी कंपनीज पे ना आपको नजर रखनी चाहिए और एक तीखी नजर से देखना चाहिए ऐसी कंपनीज को। भाई इतनी बड़ी 34,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.7, क्या है प्रसाद, क्या मतलब है?
इतना छोटा क्यों? तो कंपनी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, और गड़बड़ कर रही है मतलब आलसी है साफ तौर पे, मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव नहीं है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 63% है, और आप देख सकते हैं ग्राम नंबर 40 के आसपास है, विच इज काइंड ऑफ ओके। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। लो जी, कंपनी के पास तो 3000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर थे ना, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है फिर, पूछो आप इनसे। चलिए दोस्तों, प्लीज फॉरगिव मी फॉर बीइंग अ लिटिल हार्श, बट दिस इज द वे आई इन्वेस्टिगेट द कंपनीज एंड यू शुड डू द सेम। यहाँ दोस्तों वैल्यू की बात करें तो देखिए कितना सुंदर चित्र आपके आंखों के सामने है कि जितनी नीचे वाली बिल्डिंग्स है ना वो सब लॉस दिखा रही है, और ये ऊपर वाली जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखा रही है। तो कंपनी 2018 के बाद में अधिकतर तो लॉस, गहरा गहरा लॉस दिखा रही है, और अभी जब थोड़ा सा मुनाफा हुआ नहीं कि प्राइस जमीन से सीधे आसमान पे, तभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले 3 गुना हो गया है। सो कंपनी तेजी से, लोग ना इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि भेल में जरा सी, मतलब BHEL में जरा सी गुड न्यूज आए और हम पकड़ लें इसको। दोस्तों ऐसे ही केसेस में लॉसेज होते हैं, क्योंकि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिकोड करें उसके बाद इन्वेस्ट करें। आगे देखें तो पीयर कंपैरिजन, तो इसका टक्कर किससे? सीमेंस से, ABB, CG पावर और सुजलोन एनर्जी वगैरह, ये सारी कंपनीज हैं। तो आप इन सब कंपनीज के बारे में जानते हैं, यहाँ कुछ खास नहीं है। अब आते हैं हम सुंदर से एक खास हिस्से में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों इसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो कि 2012 में सेल्स थी 48,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद में अभी हो गई 23,000 करोड़ के आसपास में, इससे थोड़ा सा हाँ मतलब 23,000 करोड़ के आसपास में इनके पास में अभी सेल है लेटेस्ट जो है वो। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9,000 करोड़ था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सीधा ये फिर ये 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, फिर 3,000 करोड़ रुपये का लॉस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 828 करोड़ रुपये। भाई कैसी कंपनी है जी कि आज से 10 साल पहले 9,000 करोड़ रुपये कमा रही थी, और आज ये 700-800 करोड़ रुपये कमा रही है। ये ऐसी ग्रोथ देखी है क्या आपने कि कोई बच्चा पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100% मार्क्स लाता है और 10th स्टैंडर्ड में आते आते 10% मार्क्स रह जाते हैं, क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे इसको? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको तीखी नज़र से ज़रूर देखना चाहिए कि ये नेगेटिव है, यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये अदर इनकम कुछ नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगेन यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स हो गया, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो नेट जो प्रॉफिट है वो 7,000 करोड़ होता था, और अभी ये 477 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन प्रॉफिट कहाँ है पता नहीं। डिविडेंड पे आउट, तो कंटिन्यूसली डिविडेंड देती थी, तो डिविडेंड गवर्नमेंट का हाथ है तो डिविडेंड कंपनी दे भी देती है, और थोड़ा प्रॉफिट भी था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद यहाँ इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया, इसके बाद डिविडेंड गायब, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट था ही नहीं। रिसेंटली इन्होंने प्रॉफिट थोड़ा सा कमाया है तो उसकी वजह से इन्होंने डिविडेंड वापस से दिया है। आप देखेंगे 10 साल में सेल्स की ग्रोथ -7%, यानी ग्रोथ नहीं रही है, सेल का डिक्लाइन रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 24% से गिरा है, जबकि शेयर प्राइस फिर भी चढ़ रही है। तो यहाँ इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। आगे की बात करें तो और रेशियोज़ देखिए, कुछ रेशियोज़ इन्होंने इम्प्रूव भी किए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो इन्होंने 252 दिन की जगह 34-35 दिन कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम ये कहेंगे कि कंपनी में नेगेटिव भी ज़्यादा है और पॉजिटिव थोड़े थोड़े से कम है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ अगर आप बात करें तो इसके रेटिंग्स की बात, पहले एक बार शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 63% शेयर होल्डिंग जो है वो सारी की सारी प्रमोटर्स के पास में, गवर्नमेंट से संबंधित कंपनी है तो चिंता की कोई बात ऐसी है नहीं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो 4% लेके बैठे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 11.7% और FII 7.76%, हमारे आपके से रिटेल इन्वेस्टर्स ने 12.7%। इसका मतलब ये है कि कंपनी नेगेटिव तरीके से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट FIIs और DIIs का विश्वास इसमें अभी भी बना हुआ है, जिससे पता पड़ता है कि कंपनी में कुछ तो ऐसा है जो जैसे ही ठीक होगा तो ये सारी चीज़ें वापस से सही होने के चांसेस हैं। तो कंपनी आप ये देखेंगे कि कंपनी में जब ये कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, प्राइसेस डाउन थी, उस टाइम पर FIIs ने अपनी एलोकेशन 4% से सीधा 8% कर दिए, यानी उन्होंने रिसर्च कर रखी है कि इस कंपनी में जैसे ही कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा, जैसे ही मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा तो ये कंपनी दौड़ने वाली है। क्यों दौड़ने वाली है? क्योंकि इसके पास ऑर्डर्स की कोई कमी है ही नहीं, इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी कोल इंडिया से मिल रहा है और बड़ी बड़ी कंपनी से मिल रहा है इनको। सो ये एक प्लस पॉइंट है।
टेक्निकली बात करें हम दोस्तों, तो ये इसका जो चार्ट है वो आप देख सकते हो, कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड है कंपनी में, डेफिनेटली अप ट्रेंड है। आप देखो 2021 के बाद में, बट स्लो है, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट हुई है प्राइस, यहाँ स्लोली ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू की है। अब नज़र इस बात पे है कि देखो यहाँ से ये जो प्राइस चैनल है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी आपको अगर ये प्राइस इसी चैनल को तोड़ करके आगे निकले, यानी मैं कहूँगा 110 120 रुपए से ऊपर अगर जाकर के क्लोज होती है, 120 से ऊपर अगर ये क्लोज होती है और कंसिस्टेंटली 120 से ऊपर रहती है, तो हमारे पास में एक मौका बनता है जिससे हम न्यू अप ट्रेंड की शुरुआत मान सकते हैं। वॉल्यूम ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑसम इंडिकेटर भी इसका पॉजिटिव आपको दिखा रहा है और RSI शो कर रहा है कि ये थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कंपनी एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ आप इसको नज़र रखिए, इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव होने दीजिए एंड देन आप इसमें इन्वेस्ट करना कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों BHEL में आज इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक जो मैं आपको सरप्राइजिंग चीज़ देने वाला था, बताने वाला था, वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि वीक में किन्हीं भी तीन मित्रों का आप में से और पोर्टफोलियो रिव्यू मैं करूंगा। और उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और जो फर्स्ट कमेंट है पिंड कमेंट उसमें एक लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के अपनी जो पोर्टफोलियो है उसकी एक फ़ोटो खींच के और उस पर अपलोड करिएगा, तो मैं उसको उनमें से आप में से जो भी लोग सेलेक्ट होंगे टॉप थ्री उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करके और आपके साथ में शेयर भी करूंगा अपने इनपुट्स के साथ में, जिससे आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा स्ट्रीमलाइन हो सके। तो ये एक चीज़ है। दूसरी दोस्तों एक चीज़ ये है कि अभी भी 100 में से 10 लोग सब्सक्राइब करते हैं, 90 लोग बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। दोस्तों ये गलत बात है। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बिना सब्सक्राइब करे जाने का कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिलती रहे, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और साथ में आप नया सीखते रहेंगे तो ही इन्वेस्ट कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी प्रॉफिट भी बंद हो गई है। सो दोस्तों लगातार सीखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। जिस दिन 1,00,000 सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएंगे मैं लाइव पोर्टफोलियो रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया करूंगा। सो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन को ऑन कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।